यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर कर्मचारियों ने माध्यमिक शिक्षा के सप्तम कार्यालय पर बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपनी 22 सूत्रीय मांगों की पूर्ति न करने एवं शासन के आदेशों के बावजूद कर्मचारियों की पदोन्नति सूची प्रकाशित न करने को लेकर आगामी 6 फरवरी को विशाल धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। धरने में सुनील कुमार मिश्रा, गजेंद्र राव, राजीव गुप्ता, सुनील श्रीवास्तव, सुभाष यादव, प्रमोद कुमार सहित एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन के मंडलीय सचिव राम नारायण पति त्रिपाठी ने कहा, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, जिंदाबाद सारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, जिंदाबाद यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, सारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, याचना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा, जिंदाबाद यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। राम नारायण त्रिपाठी, मंडलीय सचिव, यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन। हमारी 22 सूत्री मांग पत्र है जो मई 2018 से ये आंदोलन चल रहा है। हमेशा शिक्षा निदेशक जो भी विभागीय अधिकारी हैं आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं, केवल काली थोथोपा जो है दे रहे हैं आश्वासन, ये अब कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी 25 तारीख को एक दिवसीय धरना था जनपद स्तर का, वो भी ज्ञापन गया, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। ये मंडल स्तर का है एक दिवसीय, आज 30/1/2019 को, 6/2/2019 को प्रांत स्तर का एक दिवसीय धरना है जो इलाहाबाद में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के समक्ष कार्यालय के समक्ष, उसमें भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो वहीं भावी रणनीति जो आंदोलन की रणनीति होगी वो घोषणा की जाएगी और आंदोलन विकराल रूप लेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी।